बोलिए पंच तत्व फड़ा पेनता। दशरंगपुर ग्राम की पावन धरा धरते दाईना। बारह खेड़ो बारह नगरे बारह पनघट बारह मुठवाल शक्तिना। सात समुंदर सोलह धारों में विराजमान पैन शक्तिना। बावन कल संतावन प्रगना की समस्त पैन शक्तिना। सबसे पहले मैं दशरंगपुर पारा खंडसरा की पावन धरा धरती दाई को कोटि कोटि बंदन सत नमन सेवा जोहार करता हूँ। और ग्राम में विराजमान समस्त पुरखा पूर्वज शक्ति मुठुआ बाबा पटेल बाबा भूमका बाबा भीमाल बेन बाबा मेड़ो के मिड़वैया घाट के घटवैया पनघट के पनहरन दाई बूढ़ी दाई खेड़ो दाई पांचों बहन और सातों भाइयों को कोटि कोटि बंदन सत नमन सेवा जोहार करता हूँ। और पंचखंड धरती के राजा शंभु गौरा दाई धर्मगुरु पाहंदी पारी को पारलिंगो बाबा क्रांति की देवी रायतार जंगो माता और कालंखों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई एवं पंचखंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य अदृश्य समस्त पैन शक्ति देवी देवता को कोटि कोटि नमन बंदन सेवा जोहार। और सेवा जोहार मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता मेरे दाऊदाई जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पावन धरा धरती पर पहुंचाया ऐसे महान माता पिता दाऊदाई के चरणों में कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार करता हूं। और जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया ऐसे महान गुरु के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार आता है। गोंडी धर्म संस्कृति का फिर से अलग जगाने वाले महाराष्ट्र निवासी पेनवासी दादा मोती रावेन कंगाली जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार। और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार। दूर दराज से आए हुए पंडाल पर विराजमान समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति नन्हे मुन्ने बालक बालिका बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों आप सबको कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सबको मेरी ओर से जय शिवा जय फड़ापेन जय गोंडवाना। तो प्रिय सज्जनों यह जो कार्यक्रम है सात दिवसीय रखा गया है कोया पुणे। तो आज पहला दिन है और हम लोग सब लोग लेट हो गए हैं कोई बात नहीं है पहले दिन होता ही है। तो आज हम पांच घट ज्योति स्थापन करेंगे मतलब गोंगो करेंगे तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे कि हमारे जो पुरखा लोग थे सियाने लोग थे वो किस प्रकार हमारी पेन शक्तियों का सुमरण ध्यान करते थे। ठीक है हाँ तो सबसे पहले प्रारंभ करने के पहले हम सबसे पहले स्नान करते थे ना नहाते थे क्योंकि बिगर स्नान किए बिना नहाए हमारे पुरखा लोग हमारे देवी देवताओं का सुमरण ध्यान नहीं करते थे। लेकिन नहाने से भी पहले जिस पानी में जल में जिसको हम गोंडी में क्या बोलते हैं पानी को अगले बार बताया था ना किसको मालूम है जरा एक बार हाथ उठाना कुछ लोगों को मालूम है कुछ लोग भूल गए पानी को बोलते हैं एयर क्या बोलते हैं एयर। तो जिस जल या पानी एयर में हम नहाते हैं उसका सबसे पहले हमको सुमरण ध्यान करना चाहिए। ठीक है ना क्योंकि हम उस पे नहला रहे हैं तो पहले उसका सुमरण करना चाहिए। तो सभी जो जुड़ा बैठे हुए राजा रानियों के रूप में वो अपने हाथ में पानी ले लेंगे एयर और समुद्र सहित समस्त तीर्थ स्थलों का ध्यान करेंगे। ठीक है हाँ हो गया हेलो 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 हो गया हाँ ध्यान करेंगे। ओ सर्वशक्ति संतो सिंगा पेन गंगा उंडे बृंदा नरगोदा झेलम सुलदा पेन गंगा तारपे पहरो मेन गोदा हीरो गंगा उंडे पेच उम्मा रे गोदा इदामा एरुंग समुंदा रे एर कोले सिंगार दीप्ता सुडे सिंगार सिंगार दीप्ता एर कोले पेन कोले सुमरन किया तो रो में शिवा शिवा मतलब हमने स्नान कर लिया अपने शरीर की शुद्धिकरण कर लिया।
इसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, हमारे जो देवी देवता है उनको न्योता देते हैं, सबसे पहले देते हैं कि नहीं, आज ही गाँव में सबसे पहले स्नान करने के बाद अब हम हमारे देवी देवताओं को हल्दी चावल का न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे, क्योंकि जब तक हम न्योता नहीं देते हैं तब तक हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। देते हैं ना आज भी, आपने भी दिए होंगे गाँव में, तो हल्दी चावल का न्योता ले लेंगे। हमारे देवी देवताओं को न्योता देते हैं बुलाने के लिए। आज परिवर्तन हो गया तो आज किसी को भी बुलाने के लिए आज क्या देते हैं, कार्ड लिफाफा बनाने लगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे देवी देवताओं को हल्दी चावल का ही न्योता आज दिया जाता है, देते हैं ना। तो देंगे कैसे, देते थे हमारे भूमका लोग, बेगा लोग, बेगा बोलते हैं इधर ज्यादा, बेगा लोग करवाते थे पूजा, गोंगो मतलब। हाँ, ओ सर्वशक्ति सुरवे पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राजराजेश्वरी देवी माला देवी हिंगलाजनी दाई रानी बघेलिन धरती ता राजा शंभु शेख आदि गुरु महादेव मूलादाई गौरादाई चौसठ जोगनी रूपोलिंग पहांदी पारी को पार लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रातमाई दूल्हा देव दुल्हे देवी ठाकुर देव खीर मई माता माउली कली कंकालिनी श्री बड़ोना श्री सैया माता छिटकवार हुलराय खंडिराय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसा सुर धरती माता छोर पालो दुधिया कुंड डेहरी देव भैरो बाबा पनघट की पनहरन हरदू मरा देव मराही देवी मरामर की मरही देवी महाकाली मंडूद पैनक सुरतमाल जयतमाल मनमोहन टू डरमल सिंधी जंगूर आयतार देवी कली जगदम्बे सल्ले पेन गांगरे पेन माता छोर पालो बरियार पेनता कुरकम का शिया तो रोम नूका दानांग शिया तो रोम सेवाय सेवा छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम अपने पेन शक्तियों देवी देवताओं को हल्दी चावल का न्योता देते हैं। न्योता जब देते हैं तो हमारे देवी देवता उपस्थित होते हैं। जब हमारे घर में कोई आता है तो उसके बाद हम हमारी जो संस्कृति थी उनके पैर धुलाते थे और आज भी धुलाते हैं, धुलाते थे ना। अब धीरे धीरे सिटियों में शहरों में चले गए लोग तो भूलते जा रहे हैं। जब हमारे घर में कोई आता था तो सबसे पहले उसका पैर धुलाते थे। पैर धुलाने के बाद उसको हल्दी चावल से टीका लगा कर उससे सेवा जुहार करते थे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हल्दी का टीका लगाएंगे। किसका टीका लगाते थे हम लोग, हल्दी का। लेकिन आज हमारे लोग दूसरे की नकल करके सिंदूर कुमकुम लगा रहे हैं, लगा रहे हैं ना। वो सिंदूर कुमकुम हमारी संस्कृति में नहीं चलता था, हल्दी का टीका चलता था। तो जब टीका लगाते थे तो टीका कैसे लगाते थे, भूली हुई हल्दी है उसका आड़ा टीका लगता था। कैसा टीका लगता था, आड़ा टीका लगता था। हमारे में लंबा गोल टीका नहीं चलता था। आपने फोटो में देखा होगा बाबा शंभू का फोटो देखा है ना, बाबा शंभू का टीका कैसा लगा है, आड़ा लगा है। कितनी लाइन बनी है माथे पे, तीन बनी है ना। उसी प्रकार हमको भी टीका लगाना चाहिए। अब तीन रेखाएं क्यों बनी है, क्योंकि हमारी जो गोंडी संस्कृति है उसमें तीन चीज शुभ होती है। कैसे होती है, तीन चीज शुभ होती है। लेकिन दूसरे लोगों ने हमारे अंदर भ्रम डालने के लिए क्या बोला है, तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा, बोले तीन चीज अशुभ होती है। होती है क्या अशुभ, जबकि गोंडों के लिए शुभ होती है। अगर अशुभ होती तो हमारे बाबा शंभू तीन रेखाओं से टीका नहीं लगाते, नहीं लगाते थे, दो या चार लगाते या एक लगाते। और हमारे बाबा शंभू जब त्रिशूल धारण करते हैं तो त्रिशूल के कांटे भी कितने हैं, तीन है। अगर ये अशुभ होते तो हमारे बाबा शंभू दो या चार कांटे धारण करता। हमारी खेड़ोदाई में जो बाना रखा है, खेड़ोदाई को शीतला बोलते ना, फिर शीतलादाई में एक बाना होता है लोहे का, होता है कितने कांटे होते हैं उसमें भी, तीन होते हैं। अब बताइए अशुभ होता तो क्या हमारे यहाँ तीन कांटे वाला बाना होता। काल भी है तो कितने हैं, तीन, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। हमारे संस्कार भी है तो कितने हैं, तीन, जन्म दिवाय मरण। अब बताइए तीन चीज शुभ होती क्या, शुभ होती है। इससे ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों ने हमारी संस्कृति का विरोध किया है, जिससे कि गोंड लोगों के अंदर ये भ्रम बन जाए और तीन चीजों को ये मानना छोड़ दो, इसलिए बोला गया।
अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो तीन चीज से काम बनता है। बाबा शंभू को अगर हम बेल पत्ती भी चढ़ाएंगे तो एक डंठल में पत्नी पत्ती कितनी है? तीन है ना। शुभ होता है तब तो चढ़ाते हैं। तो आज से भ्रम तोड़ देना कि तीन चीज अशुभ होती है। जिसको होती होगी तो होने दो, लेकिन हमारी गोंडी संस्कृति वाले गोंड लोगों को, गोइतुर लोगों को ये शुभ होती है। ठीक है ना? अब तो नहीं लगेगा। तीन चीज से काम बनता, मैंने बताया था ना। आप बना के देख लो, अगर आप चूल्हा बनाओगे तो पत्थर कितने रखना पड़ेगा? तो बनेगा कि बिगड़ेगा? बन जाएगा ना, तो बनता है तीन से। इसलिए मैं पहले बता रहा था। तो टीका लगाएंगे, पहले बीच के कलश से प्रारंभ करेंगे आड़ा टीका, फिर उसके बाद दाएं से बाएं, तो प्रारंभ करेंगे बीच से। ओ वाय सुरवे से वाय सुरवे सुक्ते नारायण सुरूपिंता सुरवे टीका एरुंग कुरकम काला किस तू महाशिया तुरो में शिवाय शिवा। इसके बाद दीपक जला दो। बोलिए परम शक्ति फड़ा पेनता शिवा शिवा। पूरे दीपक में ज्योति जला दो। तब तक मैं कलश के बारे में बता दूं। गोंडी संस्कृति में जब तक हम कलश प्रज्वलित नहीं करते, कलश नहीं जलाते हैं, तब तक कोई भी गोंगो सफल नहीं होती है। तो कलश का मतलब क्या होता है, कलश क्यों जलाते हैं, इस चीज को भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने अगले बार भी बताया था, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं रहेगा। तो जो कलश है वो तीन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, का ला और सा, तीन ही अक्षर का ला सा। तो जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर में कालंकों को काटने वाली माता कली कंकालिनी का वास होता है कलश में। और दूसरा अक्षर है ला, ला अक्षर में हमारे जो गुरु हैं, जिनको हम लिंगो बाबा कहते हैं, वह लिंगो गुरु का वास है और गुरु हमको सतमार्ग बताता है। हो गया ना? ला का मतलब ला में लिंगो गुरु। आखिरी में शब्द सा है, सा शब्द में हमारे जो पंचोखंड धरती के राजा, जिसको हम शंभु बाबा कहते हैं, वही शंभु बाबा शंभु शेख का वास है। तो इस प्रकार से तीनों अक्षरों में कली कंकालनी दाई, लिंगो गुरु और बाबा शंभु, ये तीन देवताओं का वास है। तो बाबा शंभु कौन है? हमारी समाज का मुखिया है, राजा है। क्योंकि जब तक समाज का मुखिया नहीं होता, जब तक राजा नहीं होता, तब तक हमारा कोई काम सफल नहीं होता। कि हो जाएगा, ये कार्यक्रम कर रहे हम लोग, इसमें एक अध्यक्ष मुखिया होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो हमारी समिति बनती है ना। तो कलश से हमको यही संकेत मिलता है कि हमारे समाज में कालंकों को काटने वाला कली कंकालनी जैसा आदमी भी चाहिए। और दूसरा, हमारी सामाजिक व्यवस्था संस्कृति को प्रचार प्रसार करने वाला, सतमार्ग बताने वाला समाज को लिंगो गुरु जैसा एक गुरु चाहिए। और तीसरा है बाबा शंभू, हमारी समाज में एक मुखिया या राजा चाहिए, तब समाज चलता है। और हमारी समाज में तीन ही चीज की कमी है बहुत अभी। खैर, तैयार धीरे धीरे हो रही है और होके रहेगी, लेकिन अभी तो कमी है ना। तो इस प्रकार से कलश में का ये मतलब होता है। इसलिए जब भी गोंगो करो, भली आप एक दीपक जलाओ, लेकिन कलश जला के ही गोंगो करना चाहिए। हाँ, इसके बाद अब जो पांचों कलश हैं, पांच जो कलश हैं, उनको प्रज्वलित करते हैं और अब हमारी गोंगो शुरू होती है। तो सबसे पहले हम सुमरन कहां से प्रारंभ करेंगे? धरती दाई से। क्योंकि गोंडी संस्कृति में सबसे पहले भूमिका जब कोई गोंगो करते थे तो धरती दाई से सुमरन प्रारंभ करते थे। धरती हमारी है कि नहीं? प्रथम जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले किसकी सुमरन होती है? आप जब बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले किसका सुमरन करना चाहिए? धरती का। सेवा जोहार प्रणाम पैर पर के मतलब, और फिर हम दूसरा काम करते हैं। तो हमारे भूम का लोग जब कोई काम प्रारंभ करते थे तो धरती दाई से शुरुआत करते थे। अगर मकान बनाना है तो सबसे पहले
धरती का सुमरण होता था। अगर खेती किसानी प्रारंभ करते थे तो धरती से सुमरण होता था, होता था ना, आज भी होता है। तो हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, मऊहा फूल, सफेद फूल और धरती दाई का सुमरण करेंगे। तो पहले के हमारे पुरखा लोग गोंडी बोलते थे और आज भी बहुत जगह बोलते हैं गोंडी। अब इधर कुछ लोग नहीं बोलते हो तो क्या करूंगा, ठीक है ना, कि बोलते हैं कुछ एक दो तो होंगे ना, एक दो होगी तो उठाओ हाथ, धन्यवाद दूंगा ना मैं, नहीं है, चलो ठीक, एक दो सब तो जानते हैं, बिल्कुल नहीं भूले हैं आप। मैं कह रहा हूँ आप जानते हो, आप सेवा जोहार बोल रहे, ये भी तो गोंडी शब्द है ना, पूरी नहीं बन रही है लेकिन बोल तो रहे हैं ना। चलो, तो हमारे जो घुमका बेगा थे वो गोंडी में सुमरण करते थे, इसलिए हम, मैं गोंगो जो करवा रहा हूँ वो गोंडी में है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान करेंगे धरती दाई का। ओ मावूर सर्वो शक्ति मावा तोरिते सिरजे जीवा जाये कंच मंच सिरडे सिंगार नारुंगे माई नरुखंड धरते अरुखंड प्रथे उंडे आकाश पदेरु धराना एरुंग समुंदरे सयुंडरंड अविकना झाड़ी ते पैंता तत्वानुंग मीवा सीवल तारी तुरो में सेवा सेवा। जल एर सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रोम सेवा सेवा। थोड़ा सा टीका लगा दो हल्दी से। सर्वो शक्ति धरती दाइना कुरकम का शिया तो रोम सेवा सेवा। धूप छोड़ दो थोड़ा सा, आग है ना। सर्वो शक्ति धरती दाइना धूप पारा शिया तो रोम सेवा सेवा। हमारे में क्या बोलते हैं, हम धूप छोड़ते हैं, ठीक है, या होम सियाना भी बोलते हैं, ठीक है, नहीं तो अब हवन बोलने लगे लोग, लेकिन गोंडी संस्कृति में हवन नहीं बोलते, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद धरती सुमरण के बाद हमारा जो गोंडी संस्कृति में प्रथम पूज देवता होता है, जो हर गांव में होता था, कुछ क्षेत्रों में भूल गए लोग और अपनी गोंडी मत के अनुसार अपना खुद के प्रथम पूज को भूलते जा रहे हैं और दूसरे संस्कृति को देवता को जानने लगे। आज अगर किसी को भी पूछेंगे कि प्रथम पूज देवता कौन है तो हमारे कुछ लोग बता देंगे कि गणेश जी है, बोल देंगे ना। लेकिन गोंडी संस्कृति में कहीं भी गणेश जी का वो प्रमाण नहीं मिलता है। आपके गाँव में है क्या कहीं गणेश जी का स्थान, हाथ उठाना, नहीं है, दशरंगपुर में नहीं है कहीं, अगर होगा भी तो नया स्थापन होगा, सनातन से नहीं मिलेगा। हमारे गांव में एक प्रथम पूज जो देव होता था, जहां से हमारा भूमका या बेगा लोग वहीं से पहले पूजा प्रारंभ करते थे, उसको बोलते हैं हमारे क्षेत्र में मुठुआ बाबा। है इधर क्या मुठुआ, खिला मुठुआ क्या बोलते हैं जी, खिला मुठुआ होगा ना। हाँ, चलो ठीक है, बहुत सी चीज नहीं मिल रही है ना मुझे इधर। चलो कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं मुठुआ, मुठुआ का मतलब होता है मुखिया, गढ़ प्रमुख है। तो हमारा उसको कुछ लोगों ने गढ़ाधिपति भी बोला, क्या बोला है, गढ़ाधिपति। लेकिन मैं जो गढ़ाधिपति की बात कर रहा हूँ वो सूंड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। गढ़ाधिपति मतलब गढ़ नायक मुखिया, ठीक है। तो उसका सुमरण ध्यान करेंगे, एक कोई सा भी फल ले लेंगे, वो होंगे ना तो या फल डूमर बोलते हैं ना, एक फल ले लेंगे, हल्दी चावल, बेलपत्ती, मऊहा फूल, सफेद फूल और ध्यान करेंगे। ओ सर्वशक्ति यद मावा सृडे श्रृंगार श्रृंगार देवता प्रभाल फुरमियाल मोठवाल कोने मोठवाल कुन सैराल गौरा माइना गढ़ाधिपति गढ़पेनता यद निको बीराते आमोठ में कुन तल्ला कोट सी जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा। जल सार दो, सर्वशक्ति जल सार दो, एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। टीका लगा दो, सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रोम सेवा सेवा। धूप छोड़ देंगे, सर्वो शक्ति गढ़ाधिपति गढ़पे नेता सेवा सेवा। सर्वो शक्ति बुढ़ाल पेनता सेवा सेवा। सर्वो शक्ति मुठुआ बाबाना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति पटेल बाबाना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति खेड़ो दाईना सेवा सेवा। जल जल,
एर सारे किया तो रो सेवा सेवा। इसके बाद में हमारे ग्राम में जितने भी देवी देवता होते हैं, ग्राम को नार भी बोलते हैं गोंडी में, ठीक है ना, नार भी बोलते हैं और खेड़ो भी बोलते हैं, बोलते होंगे कुछ जगह खेरो करके बोलते हैं राजा साहब, खेरो खेरो। तो हमारे खेरो में मतलब गांव में नार में जितने भी देवी देवता हैं उन सब का हम एक साथ सुमरण ध्यान करेंगे। तो एक नींबू का फल ले लेंगे, गुलर का फल भी ले लेंगे और हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल और नारियल होगा तो एक नारियल भी रख लो। क्या है कहीं कहीं दिक्कत ये बन गई है देवी देवताओं में कि एक एक दो दो देवता बचे हैं बाकी नहीं है, जबकि खीरों में मुख्य देवता 12 होते थे। मैंने बताया था ना पहले मंत्र पढ़ते थे भूमका लोग, 12 खीरों 12 नगरी 12 पनघट 12 मुठवालों को सुमरो माई डोना बोलते थे, मगर ये पूरे पूरे 12 नहीं मिल रहे, कहीं कहीं गाँव में मिल जाते, कुछ गाँव में नहीं है। तो ले लिए, हाँ ध्यान करेंगे। ओ सर्वो शक्ति यद मावा ग्राम तव उत्थानाते देवी देवता लूर भुई गुणवानाते देवी देवता खीला मुठुआ हर दूला ला ठाकुर देव पाठ बाबा सिद्ध बाबा भैरो बाबा सेवकी सेवहरिया मेड़ो के मिणवैया घाट के घटवैया पनघट की पनहारन चडूर से लारना खीरोदाई पंडरी पुंगुर मुंगुर कुसार पावन लसगरता ईरुंग वाहिनी के काशनी दंतेश्वरी हिंगलाजनी माई महामाता बमलई तपेश्वरी अधर खंड झोकिया बूढ़ी दाई भेड़ा घटना चौसठ जोगनी रहा वेदनी चंडिका दाई काली आसमानी जोड़ा संहारनी नौ शक्ति देवी इमा केंजा केंजा दुख तकलीफ तुन दूर के सहायता से के अरुआ जरुआ नजर बिस्तून भस्म के सदबुद्धिता ज्ञानता भाव शक्ति सीमित निको बिराते पूरो को या बिडार छप्पा पुताना सुमरन किया तो नोम रोन रच्चा नींदे बिराते अन्य धन परिपूर्ण से की सुख शांति रक्षा किमटे शिवा सेवा। हाँ छोड़ देंगे इसके बाद चल। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो सेवा सेवा टीका। सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो सेवा सेवा धूप। सर्वो शक्ति धूप पारा शिया तो रो सेवा सेवा जल एर। सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो सेवा सेवा। इसके बाद हमारे जो भूमका है बेगा है गुरु है मुठुआ है उन सबका सुमरण ध्यान करेंगे। हल्दी चावल लेके बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल ले लो। ओ सैराल गोरा सर्रे का मर्रे पहांदी पुंगार पुनेमता सर्रे हीरा सुका राय लिंगो धनेत्री महारो भूमकाल स्वयमोद बीरची मुठवाल देवगन राय तार जंगू अंधकारी धुंधकारी कोयलानु मेदी यदमावा सुमरन पारण मिन्नेत मावा इमा केंजा केंजा इमा हरकोटा पुरकोटा पुरकोटा रायुर पुरकमका तारे हच्चे आदर गुलगा सिंधाले बिंदाले कजोले दामायुम्मा सुलजा एरकोले पुलसुर रायुर हिरवा नूर मर्रे कोया पुनेमता सीतो निसरे पहांदी पुंगार कुपार जय जय जोहर जोहर जय जय शिवा शिवा इमा केंजा केंजा मिन्नेत मावा इमा केंजा केंजा ओम माबूर जय परसा पेन सल्लेर गांघर लिंगो समोद बिरची जय सगा पेन पारण सगा गोंगो नू आमोट मिखुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो रो में शिवा शिवा जल सारे। इसके बाद ईर सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो सेवा सेवा टीका। सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो सेवा सेवा। इसके बाद धूप छोड़ेंगे। सर्वो शक्ति आदि गुरु पहांदे पारे कुपार लिंगोना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति हीरा सुखा पाटारी गुरुना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति राय लिंगो धनवंत्री गुरुना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति अंधकारी धुंधकारी गुरुना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति महारू भूमका बाबाना सेवा सेवा। सर्वो शक्ति पायरेट मुठवाल शक्तिना सेवा सेवा। जल एर सारे किया तो सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो सेवा सेवा। इसके बाद नालुंग भिंडी। अब नालुंग भिंडी अगले बार भी बताया था, समझने लगे होंगे सभी लोग। नालुंग भिंडी मतलब होता है हमारी वंशावली व्यवस्था, ठीक है।
हम जो गोंडियन लोग हैं वो बड़ व्यवस्था में नहीं आते, ठीक है ना। अब हमारे लोग नहीं जानते, कुछ लोग बोलते हैं हम बेस में, कोई बताता छत्री हूं तो कोई कहता बेस, जबकि ये व्यवस्था हमारी नहीं है, ठीक है ना। कि है कोई आता है क्या गोंड व्यवस्था में? नहीं आता, नहीं जानते, इसलिए कुछ लोग बताते हैं। क्योंकि जो बड़ व्यवस्था है मनु स्मृति के आधार पे, जिसका जन्म माथा से होता है वो ब्राह्मण कहलाता है, कहलाता है ना, कहलाता है। अब बताइए ये धरती में रहने वाले, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी समाज हो, किसी का जन्म माथा से हुआ है क्या? अरे जिनको आज ब्राह्मण कहा जा रहा उनका भी जन्म माथा से नहीं हुआ है, ये हुआ है तो बताइए है कोई ब्राह्मण या क्या? अगर जन्म यहां से होता माथा से तो मान जाते हम लोग, ठीक है। तो जिसका जन्म माथा से हुआ है वो ब्राह्मण कहलाता है, तो माथा से किसी का जन्म नहीं हुआ है तो हम ब्राह्मण भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा नंबर है जिसका जन्म भुजाओं से होता है वो क्षत्रिय कहलाता है, ऐसा बताया जाता है। अब बताइए भुजाओं से हुआ है क्या हमारा? नहीं हुआ है, तो मतलब हम क्षत्रिय वंशावली के भी लोग नहीं है। तीसरा नंबर है कि जिसका जन्म कमर से होता है वो वैश्य कहलाता है। अब बताइए धरती में किसी भी आदमी का कमर से होता है जन्म? नहीं होता, तो हम वैश्य भी नहीं है। चौथा नंबर है कि जिसका जन्म पैर या तलुआओं से होता है वो शूद्र या दलित कहलाता है। अब बताइए हमारा हुआ है क्या? नहीं हुआ, तो हम चारों जगहों में नहीं आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे हैं, तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक कोई में से नहीं है। अगर सत्यता की बात किया जाए, चाहे कोई भी समाज हो, सबका जन्म एक ही जगह से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूक, बोलते हैं, बोलते हैं ना कूक, या कूक होता है कि नहीं सबका जन्म कूक से। इसलिए हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाले लोग नहीं हैं, हम कूक से जन्म लेने वाले हैं, इसलिए हमको कहा जाता है कोया वंशी या कोई तो समाज। बात समझ आई तो एक बार ताली बजा दो, नहीं तो फिर से बताऊंगा, क्योंकि भाई हो सकता है मेरी भाषा समझ ना आ पाए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी भाषा छत्तीसगढ़ी में अलग है। तो हम लोग क्या है? कोयतुर या कोया वंशी कूक से जन्म लेने वाली समाज, समझ गए ना। नहीं तो कोई ने पूछे कि कौन हो, तो आप बोल देंगे कोई बोलता बेस, कोई बोलता दलित हूं, सूत्र हूं, ये वो जाने उनकी व्यवस्था, ठीक है ना। तो हमारी जो वंशा वाली व्यवस्था है, देवों के अनुसार व्यवस्था बनती है, जैसे कोई पुरार वंशी है, चंद्र वंशी है, सूर्य वंशी है, वंशावली है कि नहीं हमारी, तो उसी की मैं गोंगो कराने जा रहा था। तो मैंने सोचा पहले बता दूं, ठीक है ना। तो हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल, और वंशावली का ध्यान करेंगे। ओ मावूर पुरखाल पनीटे दामा सिडे सिंगार सिंगार देवता नालुंगे फाकता नालुंग भिंडे तोर बोल शेष नालेंज पुरार सगा गोंगो नुंग ईद निको बेराते आमोट में कुन तल्ला कोर से जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा जल एर सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो सेवा सेवा टीका सर्वो शक्ति कुरकम का सिया तो रो सेवा सेवा धूप छोड़ देंगे सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रो सेवा सेवा जल एर सारे किया तो रो सेवा सेवा। इसके बाद पुरखाओं का स्मरण करेंगे। पुरखा सभी लोग समझते हैं, सभी के पुरखा होते हैं, सियाने बूढ़े होते हैं ना अपने घर में, उनका स्मरण करेंगे। और बताया जाता है जिसके पुरखा जो होते हैं वो अगर प्रसन्न रहते हैं तो उनका परिवार भी सुखी रहता है, और अगर घर के पुरखा गड़बड़ भए तो परिवार में कितना ही धन दौलत रहे वो सुखी नहीं रह सकता, कई प्रकार की परेशानियां घर में प्रारंभ हो जाती है, हो जाती है ना। तो अगर घर को सुखी रखना है तो हमारे जो पुरखा पूर्वज है उनको प्रसन्न रखो। तो चलो कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलकर के समस्त पुरखाओं का स्मरण ध्यान कर रहे हैं आज, ठीक है। तो हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल,
ईद मावा संगार दीप तोर कियान वारे प्रफाल परमियाल मोठवाल कोन पोइने मोठवाल कोन इत निको भी राते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तोरो ओ माबूर जय परसापेन सल्लेर गांघे लिंगो से बोधबेर चे जय सगापेन परन सगा गोंगो नुंग आमोट में कुन गोंगो नुंग जोग जोर ठाड़ाते सुमरंजस रोम रोमा उंडी नीलकुंडा सैमंडी स्यांडी डंगूर मट्टंग अपाउट बंटा कुपार भीमगढ़ कोयले सिंधा बिंदा पुल मट्टा पेंडुम बाकलो मोली बन सिंगार देवता डंगूर मट्टा कमोयरु कजोली बन इदामा सिर्डे सिंगार सिंगार देवता कोयटागढ़ खंडाता डंगूर मट्टांग निको बीराते आमूर तल्ला कोट से जय शिवा किया तो रोमे शिवा शिवा जल सार दो सर्वशक्ति सारे किया तो रोम शिवा शिवा टीका सर्वशक्ति कुरकम का शिया तो रोम शिवा शिवा धू सर्वशक्ति धूप पारा शिया तो रोम शिवा शिवा जल सर्वशक्ति सारे किया तो रोम शिवा शिवा इसके बाद सगा पेन सगा पेन का मतलब होता है हमारे जो गोत्री देव होते हैं हमारी जो व्यवस्था है एक दूसरे से जब विवाह करते हैं या रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारी व्यवस्था है देवों के अनुसार हम लोग रिश्ता बनाते थे। देवों के अनुसार मतलब हमारे समाज में कोई छह वाला छह देवधारी होता है, कोई सात वाला, कोई पांच वाला, कोई चार तीन, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो देवों के अनुसार हमारा रिश्ता निकलता है, तो उसको हम समय समय पे इसी प्रकार से सुमरण ध्यान इसलिए करते हैं कि कम से कम याददाश्त बनी रहे। अगर हम ये सुमरण ध्यान बीच बीच में कभी कभी नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं। और आज वही हुआ कि आज कुछ लोग हमारे देवी देवताओं को भूल चुके हैं कुछ जगह में, किसी कई को तो ये भी पता नहीं है कि हम कितने देव वाले हैं, और कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि हम पांच देव वाले हैं तो विवाह कितने देवधारियों से करना चाहिए। कई कई जगह तो समय समय भी हो जा रहा है, हो रहा है ना? जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां तो देव पता ही नहीं है कुछ लोगों को, बिहार में भी नहीं है पता लोगों को, तो गड़बड़ होगा ना। अगर ऐसा हुआ तो जानवर और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो मैं वही हमारे जो सगा पेन है गोत्री जो देव है उनका ध्यान करवाने जा रहा हूँ, तो हल्दी चावल ले लिए ध्यान करेंगे। ओ सर्वशक्ति मुठवाल लिंगो तिरुमाय जंगो माई कलकन काली माता मुठवाल पेनगन धनवंतरी नेर माकुंतला सार सिमट कोयटागढ़ खंडा तानाल भिंडीना गोगो नुंग तराल सराल मराल गोंगो मोहन सुक्ते चंडिका माल गोंगो पाल गोंगो काल त्रिकोला सूर महारेखा महामेका दोइंदा पेंता आयु दाल तिपाय दाल नालुम संयुग पेंता कोंदाय धनताय दाल तुरपुर आय पेन कड़ा धनवा पेंदा चित्राय गोंगो कोयतुर परसा पेंता बंटाय भुंदा चित्राय गोंगो नरका नारियम सूरता शंभु नरका सराल गोरा कुरा भीमाल पेंता नाल सूर हीरा ज्योति मनको तुरपो पेन कड़ा इदामा बेन पेन से मुठकूला सुररा यहुन माबा सुरे सिंगार सिंगार देवता कोयटागढ़ खंडाता इद निको बीराते पूरो कोया बिडार सगा पेन तुन पूछता इद निको बीराते आमोट तल्ला कोट से सबे कोई तुर मानवल जय जोहार जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा जल सार दो सर्वशक्ति सारे किया तो रो सेवा सेवा इसके बाद टीका सर्वशक्ति कुरकम का शिया तो रो सेवा सेवा धूप सर्वशक्ति धूप पारा शिया तो रो सेवा सेवा हाँ इसके बाद फड़ा पेन का फड़ा पेन के बारे में तो मैंने आपको बताया था लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि फड़ा पेन के बारे में भी लोग समझ नहीं पाए, ठीक है ना? कुछ जगह ऐसा भी बताया जा रहा है, अपनी तो छोड़ो दूसरे धर्म के गुरु बताने लगे हैं बाबा। वो क्या बोल रहे हैं? बूढ़ा देव भी वही है, शंकर जी भी वही है, और महादेव भी वही है, और बड़ा देव फड़ा पेन भी वही है। ऐसा करके दूसरे धर्म के लोग भी प्रचार करने लगे। मैंने सब सुन लिया, कर रहे हैं हमारे लोगों को भ्रम में डालने के लिए। मेरे भाई, हम बाबा शंभू को बूढ़ा देव मान सकते हैं और मानते हैं, मानते हैं ना? जो बाबा शंभू है, जिसको आप लोग ईश्वर गौरा बोलते हैं ना, ईश्वर गौरा, वो हमारा बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई है कि नहीं? लेकिन बड़ा देव कौन है? बड़ा देव के बारे में मेरे भाई लिखा है, क्या लिखा है?
बिने पागो चलही सो नही बिने खाना। चौपाई सब लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बिन पग चलही सो नही बिन काना। उसी को हम गोंड लोग बड़ा देव कहते हैं या फड़ा पेन। गोंडी में क्या बोलते हैं? फड़ा पेन। फड़ा याने होता है बड़ा और पेन याने होता है पावर या शक्ति। उसको हिंदी में बोलने लगे देव, ठीक है ना। तो ये बड़ा देव कौन है? बड़ा देव के बारे में ही लिखा है बिन पग चलही सो नही बिन काना, जिसको हम लोगों ने बड़ा देव कहा है। और कुछ लोगों ने इसी बड़ा देव को, जिसके पांव नहीं है हाथ नहीं है, उसी को क्या कहा है दूसरे लोगों ने? भगवान। उन्होंने क्या कहा उसको? भगवान। और हम लोगों ने उसको क्या कहा? बड़ा। क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए गोंडों ने उसको सबसे बड़ा कहा। तो अब है कौन वो बिना पांव का बिना हाथ का? वो है बड़ा देव। और इसी बड़ा देव की साधना शंभू बाबा ने भी किया था, जिसको हम शंकर जी बोलते हैं लोग, भोलेनाथ बोलते हैं। उसने भी किसकी साधना किया था? बड़ा देव की। मैं नहीं कह रहा हूँ, चौपाई लिखी है, आखंड साधना शंभू ने की ना और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दी ना। किसकी साधना किया बाबा शंभू ने? बड़ा देव की। तब उसने दिव्य ज्ञान दिया। तो बाबा शंभू को जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बाबा शंभू तीनों काल की बात जानने लगा था, भूत भविष्य और वर्तमान की। तो लोगों ने कहा कि बाबा शंभू तीनों काल की बात जानता है, इसका मतलब बोले बाबा शंभू के तीन नेत्र थे। ये गलत है मेरे भाई, तीन नेत्र नहीं हो सकते किसी के, ठीक है ना। तीनों काल की बात जानने के कारण उसको त्रिकालदर्शी कहा गया था। ये नहीं कि तीन आंख थी इसलिए कहा गया। तो ये बिन पग का मतलब, बिन पग है वो कौन है? वो भगवान कौन है, जिसको लोग भगवान भी कहते हैं। जब हम भगवान लिखते हैं ना, तो पांच अक्षर मिलते हैं। कितने अक्षर मिलके बनता है भगवान? पांच। पहला अक्षर भा, दूसरा अक्षर गा, गा के बाद में हुआ, वा के बाद में आका डंडा, और आखिरी में शब्द आया ना, हुए ना। भा गा वा और आका डंडा, और आखिरी में शब्द आया ना। तो भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती। दूसरा अक्षर है गा, गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा, वायु तत्व या वायु देवता। उसके बाद में डंडा लगा है आका, आका मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता। आखिरी में शब्द आया ना, ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व या जल देवता, पानी, एयर। हो गए ना पांच। ये पांच शक्तियां हैं धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पांच ही शक्तियों को हम पंच तत्व फड़ापेन बोलते हैं कि नहीं? आज भी पंच तत्व फड़ापेन बोलते हैं ना, पंच तत्व फड़ापेन। तो यही पांच शक्ति को ही हम बड़ा देव कहते हैं। और दूसरे लोग इसी पांच शक्तियों को क्या बोलते हैं? भगवान। लेकिन कुछ लोगों ने बहका दिया। कैसे बहका दिया? किसी ने बताया वो फलाने राजा का बेटा भगवान है, वो राजा का बेटा भगवान है। और चौपाई साहब कह रही है कि बिन पग चला ही सो नहीं बिन काना। फिर लोगों ने सवाल करना था ना कि चौपाई बोल रही है बिन पग चला ही, और तुम हाथ पांव वाली क्यों बता रहे हो? तो यही पांच शक्तियां है जिनको हम भगवान कहते हैं। तो समझ गए सभी लोग फड़ापेन कौन है? पांच तत्व शक्तियां। अगर समझ गए होंगे तो एक बार ताली बजा के मुझे संकेत करेंगे। समझ गए? हाँ।
तो यही पांच शक्तियों का कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, नहीं होता ना कभी जन्म और मरण। बोलिए शंभु गौराना। तो गोंगू करवा रहा था लेकिन मैंने सोचा कि पहले बता दूं, क्योंकि लोग जानते नहीं, पूजा करते जाते समझ नहीं पाते। तो ये पांच जो देवता है इनका कभी जन्म होता है ना मरण होता है। ये पांच देवता कैसे आए, इन्होंने जन्म ले लिया, ये प्रकट हुए हैं। कैसे हुए हैं देवता, प्रकट होते हैं कि नहीं, ये प्रकट होते हैं पंच तत्व शक्तियां। कैसे प्रकट होती है, आप लोग भी ये देवताओं को प्रकट कर लोगे, कर लोगे कि नहीं करोगे। जल देवता को प्रकट नहीं कर सकते आप, वायु देवता को, अग्नि देवता को, कितने लोग हैं जो अग्नि देवता को प्रकट कर सकते हैं, जरा हाथ उठाना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजा साहब के लिए, एक बार ताली बजाओ, उनको आज भी याद है बताओ। और आप लोग कैसे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दूसरे लोगों ने दिमाग में गोबर भर दिया है विवेक को तर्क करने का। मेरे भाई ये पांचों देवताओं को प्रकट करने के लिए कोई व्रत उपवास की जरूरत नहीं है, कोई चंदन टीका लगाने की जरूरत नहीं है। आज का जो युग है वैज्ञानिक युग है। अब किसी ने हाथ नहीं उठाया इसका मतलब अगले साल आपने ठीक से सुना नहीं भाई मेरी बात। और देखिए हमारे राजा साहब जी ने ध्यान से सुने, उनको आज भी वो बात याद है, इसलिए तो राजा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई अग्नि देव को प्रकट करने के लिए कोई मंत्र तंत्र या उपास या साधना की कोई जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ आज के युग में पढ़ने की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। आज माचिस आ गई, माचिस पाड़िए, अग्नि देव प्रकट हो जाएगा। मंत्र पढ़ते हो क्या, बताइए मंत्र पढ़ते हैं क्या अग्निदेव के लिए, होता है कि नहीं अग्निदेव माचिस पाड़ने से प्रकट। जलदेव को प्रकट करना है तो कुआं बनाइए, ताला बनाइए, बोर कराइए, जलदेव प्रकट होता है। वायुदेव को प्रकट करना है तो पंखा चालू कर दो, फैन, वायुदेव प्रकट होता है, होता है कि नहीं होता। और ये आप लोग अगर दूसरे लोगों की बातों में लगोगे ना तो अंधविश्वास सिवा कुछ नहीं आएगा, फैलेगा ना अंधविश्वास, फैलेगा ना। अगर कोई कहे कि तुम यहाँ बैठ जाओ और माला जपते रहो गंगा जी प्रकट हो जाएगी, तो हो जाएगी क्या, हाथ उठा के बताओ, होगी नहीं होगी, ये अंधविश्वास है कि नहीं। अंधविश्वास को गोंडियन लोग नहीं मानते, जो सत्य है, जो वैज्ञानिक संबंध है उसको मानते हैं। यही चीज हमारे पुरखा लोग बोलते थे, दादा मरकाम जी बार बार बोलते थे, पैनवासी बोलते थे ना, हमारे गोंडवाना के लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है और दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है, इसलिए हम लोग आज मार खा रहे हैं। जिस दिन हम लोग ये दो चीज समझ जाएंगे ना उसी दिन, अरे अभी कई प्रमाण है ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। जबकि मैंने इसका खोज किया हूँ, सर्च करता हूँ कि आज जंगल में रहने वाले जानवर पशु पक्षियों को भी ये सही और गलत का ज्ञान है, इसलिए तो उनका कभी पंडाल नहीं लगता ना, उनको कभी गुरुजी की जरूरत पड़ती पड़ती है क्या, कभी उनके स्कूल नहीं लगते, क्योंकि वो अभी भी अपने सत्य से भटके नहीं है। जो भटका है उन्हीं को जरूरत पड़ती है गुरुओं की। आप आज ही परीक्षण करके देख लेना, घर जाके सबके घर में कुत्ता होगा ना, होगा होगा कि नहीं, बुरा मत मानना, कुछ बात कड़वी भी निकल जाती है और जो कड़वी बात वो सही रहती है। लेकिन अगर घर में कुत्ता होगा तो घर जाके देखना, एक एक बर्तन में या कटोरा में दूध रख देना और एक कटोरा में दारू शराब रख देना और कुत्ते के सामने दोनों रख देना, कुत्ता क्या पिएगा, क्या पिएगा, इधर पूछ रहा हूँ, मात्र सकिए क्या पिएगा कुत्ता, दारू पिएगा तो हाथ उठाना, नहीं पिएगा बोल रही है, दूध पिएगा तो उठाना हाथ। अब बताइए कुत्ता जान रहा है कि नहीं, जबकि उसको कोई गुरु ने नहीं बताया कि अच्छा ही क्या है और बुरा ही क्या है। और अगर हमारे कुछ लोगों के आगे ये दोनों चीज रख दे तो
दोनों पी जाएगी कह रहा है हमारे भूमिका गुरु जी, लेकिन पहले वही पी है बाद में भली पी जाएंगे उसको, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी बात को सुनने के बाद विवेक नहीं करते, तर्क नहीं करते। सुनने के बाद विवेक करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, उसका फिर हमको उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब मैं भी नहीं कहता कि पूरी बात मैं भी सत्य बताऊं, लेकिन 10 बात बताऊंगा तो कुछ बात सही होगी, उसको मान लो, ठीक है। तो मैं फड़ापेन के बारे में बात कर रहा था, तो फड़ापेन के बारे में आपने समझ गए कि ये पांच जो शक्तियां हैं जिनका कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, वो कौन सी है? धरती, जलवायु, अग्नि और आकाश, ठीक है ना, यही है। इनके कोई हाथ है ना पांव है और फिर भी ये चलती है, तो चौपाई ने सही कहा है, बिन पग चल ही सुन ही बिन कान। ये बिना पांव के चलते हैं देवता, अगर पानी गिर जाए, अभी दो चार दिन पहले बहुत पानी गिरा है ना आपके धार, जब पानी गिरता है तो बहता है, मतलब चलने के जैसा माना जाता है। हवा बिना पंख की चलती है, अग्नि का ही आग लग जाए तो ऐसा लगते है कि चल रही है, ये धरती भी चल रही है, सूरज देव की परिक्रमा कर रही है, ठीक है ना। तो ये पांच देवता है, उन्हीं को कहा गया है बिन पग चलई सुनई बिन काना। और अगर कोई कहे किसी राजा महाराजाओं के लड़का राजकुमारों की ये भगवान है वो भगवान है, तो वो चौपाई पर गलत लिखा है, ठीक है ना। तो समझ गए ना, तो मैं वही फड़ा पेन का स्मरण कराने जा रहा था, तो ध्यान करेंगे। ओ सर्वशक्ति मावोर सल्लेर गांघेर इमा जीवा जाए सजोर सुक्ति गलो मान माए मते मेद मोदु नो पुनो अब्बाल बाबो कैमो कर्मो सिंगार पुंगार निंगार कांसे केंजार बेंजार लिंगार मासे आकाश पाताल पुखराल सैमो इमागार इमा जान इमा रैमो कैमो चिड़े मिच्चे जाए लमोटिया भूमोटिया माटिया मोटिया सुक्ते अदेटिया इमा गुर्रे बर्रे बिन्नासे जंतेर इरवासे कासे सजोर मंतेर अन्न खूड धन खूड जन खूड तोटे धंठाए भंठाए होल राय मोटे ईरा खंडेरा सिरपा महिंदा सगातारा मोरा मुसे महिंदा मुटवाल जुगाल मुलाल नुसे इमानुल्ले सुरमा भुजंग बीसे पुआर सलकाय भूमुठम सुक्कम लाले पुरवाने लो भेरो भस्म तपते जुंडे मेत मनमाई सुरवापरण गांग आमोट मिकुन सुमरन किया तो नो मीवा शीतल तत्वानु आमोट मिकुन तारी तो रो में शिया तो रो में शिवा शिवा छोड़ देंगे जल जल सर्वो शक्ति सारे किया तुरो शिवा शिवा टीका सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तुरो शिवा शिवा सर्वो शक्ति धूप पारा शिया तुरो शिवा शिवा जल सर्वो शक्ति सारे किया तुरो शिवा शिवा। इसके बाद में एक हल्दी का गठान लेंगे, एक नरियल और एक रुपए का सिक्का रख लेंगे झंडा में चढ़ाने के लिए, ठीक है। और हल्दी चावल बेलपत्ती महुआपुर सब ले लो एक साथ, और ध्यान झंडा लगा दिए है ना। हाँ ओ सुरवे पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजूर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राज राजेश्वरी देवी माला देवी हिंग लाजनी दाई रानी बघेलिन धरती ताराजा शंभू शेख आदि गुरु महादेव मूला दाई गौरा दाई चौसठ जोगनी रूपो लिंग पहादे पारी कुपार लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रात माई दूल्हा देव दुल्हे देवी ठाकुर देव खेर माई माता मावली कलिकंकालिनी श्री बड़ोना श्री सैया माता छिटकवार हुलराय खंडेराय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसासुर धरती माता चौरपालो दूधिया कुंड डेहरी देव भैरो बाबा पनघट की पनहरन हरदु मरह देव मराही देवी मरा मरखी मरही देवी महाकाली मंडूत पैनक सुरतमाल जयतमाल मनमोहन टूडल मर सिंधी जंगू रायतार देवी कलिये जगदम्बे सल्ले पेन गांगरे पेन माता छौरपालो बरियार पेनता हे पड़ा पेन आज हम पांच तत्वों से सृजे सप्तरंगी गोंडी धर्म ध्वजा धरती माता की कोख में
जहाँ अखंड धरती नौखंड पृथ्वी की रचना हुई है, इसी धरती पर ये सतरंगी झंडा फहरा रहे हैं। ओ मावोर कुंदाम चिंदाम कोइंदाम पारण मुठ सगाना एरु झंडा ते संपूर्ण भिंडीना पूर्वज कमटाते कंबक रुकमत्ता इमा सेवा सेवा पुंजा मोहिदा। ओ मावोर फड़ा सुक्ते फड़ा पेन जय सजोर पेन पारण सगा पेन ठाड़ाते एरु रुकमत्ता झंडा पेन ता खंडाते सिया तो मा तारी तो मा मामा केसे तो बस्तु नरियल लिबू प्रसाद तो सिया तो रो में सेवा सेवा चढ़ा देंगे। हाँ इसके बाद में जल सारो सर्व शक्ति सारे किया तुरो सेवा सेवा टीका सर्व शक्ति कुरकम का शिया तुरो सेवा सेवा धूप सर्व शक्ति सल्ला गांगरा नाश सेवा सेवा सर्व शक्ति अमोटिया लमोटिया भोटिया देटिया माटिया पेन शक्ति ना सेवा सेवा सर्व शक्ति बारह घांगरा शक्ति ना सेवा सेवा सर्व शक्ति बारह भीमाल शक्ति ना सेवा सेवा सर्व शक्ति तैतीस कोट पेन शक्ति ना सेवा सेवा सर्व शक्ति बावनगढ़ संतावन प्रगना की पेन शक्ति ना सेवा सेवा सर्व शक्ति ग्राम में विराजमान समस्त पेन शक्ति ना सेवा सेवा अपने अपने माता पिता धर्म गुरु ना सेवा सेवा। हाँ जल सार दो इसके बाद सर्व शक्ति सारे किया तुरो सेवा सेवा। हाँ इस प्रकार से हमारी जो गोंगो है वो संपन्न होती है। अब बेगा या भोंगाओं के माध्यम से हमारे गोडियन लोग गोंगो या पूजा पाठ करते थे। उसके बाद में फिर सभी लोग मिलकर के सामूहिक रूप में भी वो देवता का स्मरण करते थे। आज भी करते हैं। जब पूजा पाठ हो जाती है तो सब लोग फिर सामूहिक रूप से स्मरण कैसे करते हैं उसको पूरा करने के लिए। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो कोई चूक हो गई हो तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते थे गीत के माध्यम से सभी लोग एक साथ मिलकर नाच गाना के माध्यम से पूरा करते थे। नाचते थे एक साथ सब लोग।